गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग सर। बताओ चिल्लर पार्टी, आज कौन सा डे है? 25 दिसंबर। और आज क्या है? क्रिसमस। और आज और क्या है? जोर से बोलो। आज है विनायक दिखा रहा है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। और क्या है? किसके पास है? और आज क्या है? आज है भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन। दिखाओ। वेरी गुड। और आज कौन सा डे मनाया जाता है पता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। वेरी गुड। और कौन सा डे मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। आज कौन सा डे मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। और गवर्नेंस मतलब क्या होता है बताओ? बताओ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो काम करती है वो किस तरीके से काम करते है उसी से बना गवर्नेंस। गवर्नमेंट जो करे उसको क्या कहेंगे? गवर्नेंस। और जो अच्छे काम करे उसे कहेंगे गुड गवर्नेंस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाजपेयी जी की लिखी कविता। तो बच्चों सबसे पहले हम मालवीय जी जो कहते थे दो पंक्ति बोलेंगे, वो किसी को याद है? तो मेरे साथ बोलो, ना तो हम काम ये राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्भवम, काम ये दुख ताप्तानाम, प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इसका मतलब कुछ समझे? ना तो हम कामिये राज्यम, ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना ही पुनर्जन्म की कामना है। फिर कामना क्या है? कामिये दुख ताप्ता नाम। कामना है मुझे कि किसी के अंदर जो दुख है, पीछे देख रही हो इसी का आ रहा है कमरे में, तो हमारी कामना क्या है? किसी के अंदर जो दुख है, प्राणी नामार्थी नाशनम, प्राणी मात्र में जो अगर कोई दुख है, कोई बीमार पड़ गया, रोगी है, भूखा है, उसके कुछ दुखों को कम कर सके। और यही काम जीसस ने भी किया था। जीसस ने भी क्या किया था? जो रोगी थे, जो भूखे थे, लाचार थे, उसका केयर किए थे, सेवा किए थे। इसलिए जीसस को जैसो पूजा जाता है, याद किया जाता है आज। तो अगर तुम सब भी अच्छे काम करोगे, किसी की मदद करोगे, तो तुम्हें भी जैसो लोग याद करेंगे। और अब आते हैं वाजपेयी जी की कविता पर, जिसे मिस्टी को मैंने आज सुबह बतलाया था, मेरे साथ रिपीट करना। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल, थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। ये कौन लिखे हैं? कवि जो थे, प्रधानमंत्री जो थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है कविता। आगे पढ़ते हैं। पे पीकर सब मरते आए,
पे मतलब दारू दारू पीकर लोग सब मरते आते हैं ना, मैं अमर हुआ लो बिस पीकर। बिस कौन पिए थे पता है? महादेव, जो समुद्र मंथन में जो जार निकला था उसको कौन पिए थे? महादेव पिए थे, इसलिए महादेव को सबसे बड़ा देव बना दिया गया। तो पे पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो बिस पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है, पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात, जिसको पल भर में ही छूकर, भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने, प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, जोर से, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, कर देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की जीति पखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरा स्वर्णभ में घर घर, घर 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 क्या करता है? नभ मतलब आसमान, आसमान में बादल गरजता है ना, तो मेरा स्वर्णभ में घर घर, इतना जोर से बोलो कि बादल की तेज से गरजने लगे जिसे मैं बोल रहा हूँ, बोलो, मेरा स्वर्णभ में घर घर, सागर के जल में छहर छहर, देखो समुद्र की लहर जब आती है तो कितनी गर्जना करती है, ऐसी आवाज होनी चाहिए, नहीं, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, कर सकता जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में, फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विनाश, देखो इसमें कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं तेज पुंज तमलीन जगत, तमलीन मतलब सारे जगत में जब अंधेरा छाया हुआ है तो मैं रोशनी भरकर दुनिया को रास्ता दिखाया हूँ, मैं कभी दिख रहा हूँ, रूस यूक्रेन लड़ाई हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई हो रहा है, युद्ध के जल पर भारत कभी किसी पर हमला किया है? कभी युद्ध के बदले भारत अपना विकास नहीं करना चाहा, वही कह रहे हैं जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास, दूसरे का नाश करके अपना विकास हो सकता है? नहीं हो सकता, और भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है। शरणागत की रक्षा की है, मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता, विश्वास यदि नहीं आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर, देखो तुम लोगों को एक कहानी मैंने सुनाया था, राजा सिवी बला जो उसके गिर में कबूतर आके गिर जाता है, तो कबूतर के पीछे आया था बाज खाने के लिए, तो राजा सिवी क्या किए थे, बाज को बोले कि मेरे कबूतर को छोड़ दो और उसके बदले मेरा मांस ले लो। तो हम भारतीयों की परंपरा रही है, अगर कोई आता है हमारे देश में रक्षा मांग शरणागत आता है तो हम उसकी जीवन बचाते हैं, उसके लिए हमें अपना भी नुकसान अगर हो जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसी तरह कह रहे हैं शरणागत की रक्षा की है, मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर। अब बोलो यदि आज दिल्ली के खंडहर, सदियों की निद्रा से जगकर, गुंजार उठे ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन,
रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय, दुनिया के वीराने पथ पर, दुनिया के वीराने पथ पर, जब जब नर ने खाई ठोकर, जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर, जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला सोते से जग कर, चल निकला सोते से जग कर, पथ के आवर्तों से थक कर, पथ के आवर्तों से जग कर, जो बैठ गया आधे पथ पर, जो बैठ गया आधे पथ पर, मतलब लंबा अगर रास्ता है और हम थक गए तो हम नहीं चल पाएंगे, जो आधे रास्ते पे बैठ गया वो कभी सक्सेस पाएगा? हाँ, सक्सेस पाने के लिए हमें जो रास्ता है उसको पूरा चलना पड़ेगा, है ना। तो पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। जो आदमी थक गया उसको रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं ना, शिक्षक करते हैं ना। तो वही कवि कह रहे हैं, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रगड़ग हिंदू मेरा परिचय, रगड़ग हिंदू मेरा परिचय, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश, मैंने छाती का, मैंने छाती का लहू, लहू पिला पाले, पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल बर विशाल। देखो कुछ लोग क्या है ना, दूसरे को मार कर आए हैं, तलवार से काट कर आए हैं, उस तरह से गुलाम बना है। लेकिन जो हमारे भारत के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो सबको अपना लेते हैं। जीसस को भी अपनाते हैं, अल्लाह को भी अपनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह को भी अपनाते हैं, सब जगह प्रणाम करते हैं, भगवान को भी करते हैं, वो कोई भेद नहीं करते हैं। तो मुझको मानव में भेद नहीं, थोड़ा दूर है, मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग के ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका, अपना सब कुछ लुटा चुका, फिर भी अच्छा है धनागार। यानी जिसको कोई नहीं अपनाया वो भारत उसको तैयार है लेने के लिए, और कभी भी दूसरे की मदद करने से कुछ खत्म नहीं होता है। कह रहा है कि मैंने सब कुछ लुटा दिया। स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो अपनी माँ की साड़ी था, नीचे कोई आदमी जा रहा था, उसके पास कपड़े नहीं थे तो खिड़की से चुपके से गिरा दिए स्वामी विवेकानंद अपनी माँ की साड़ी। दूसरा क्या होगा बच्चा, शिकारी बा, हम घर का सामान दूसरे को कैसे दे दें, ऐसा होता है ना। तो मेरा हीरा पाकर, बोलो मेरा हीरा पाकर, मेरा हीरा पाकर ज्योतित, ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, पता है हमारे ये ब्रिटेन की जो महारानी है उसके मुकुट में जो हीरा लगा हुआ, कहाँ का हीरा है? इंडिया का ही हीरा है। उसका नाम क्या है पता है? कोहिनूर। वेरी गुड। तो उसी पे कह रहे हैं वाजपेयी जी, मेरा हीरा पाकर, बोलो मेरा हीरा पाकर ज्योतित, ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए, यदि इन चरणों पर झुक जाए कलवा किरीट, तो क्या विस्मय। अब देखो जो ब्रिटेन की महारानी हमारी हीरा चुरा कर ले गई, वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया दिल्ली और मंदिर में जैसे झुककर प्रणाम कर रहा था ना। हाँ। कौन थे प्रधानमंत्री, क्या नाम था? ऋषि सुनक। हाँ? तो वही कह रहे हैं कि उस समय सोच रहे थे कैसा हो सकता है, तो हो गया। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, जगती में जौहर अपार, जगती में जौहर, जौहर मतलब समझती हो, किसी को कुछ पता है? राजस्थान की जो रानियां होती थी
जब उस पर राजा के ऊपर आक्रमण होता था और सारे मर्द मर जाते थे, तो क्या होता था कि औरत को जैसे लोग किडनैप कर लेता था, और किडनैप से बचने के लिए जो रानियां होती थी आग में जीते जी कूद जाती थी। सोचो जरा सा माचिस लग जाता है तो कितना जलन होता है। लेकिन राजस्थान की जो रानियां थी, हिंदू रानियां, राजपूत रानी जो थी, वह जैसे आग में भी कूद जाती थी, उसको जौहर कहते थे। तो उसी पर लिखे हैं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, जगती में जौहर अपार, जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो, अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें मीना बाजार में क्या होता पता है? खूब मेकअप कप का सामान बिकता है, लड़कियां सज धज कर रहती है, वहां एक तरह से लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है। वो अभी तक जैसो उसको जैसो लोग कुछ जगह पर चल रहा है, तो कितनी गंदी चीज है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है ना, टीका लगाते हैं। चलो, क्या याद उन्हें चित्तौर दुर्ग में, क्या याद उन्हें चित्तौर, जलने वाला आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाया हूँ, रग रग में उसे समाया हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े, यदि कभी अचानक फूट पड़े, विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय, चलो इतना ही खरक विराम करते हैं। कविता थोड़ी और लंबी है, लेकिन तुम लोग थक जाओगे मैं समझ रहा हूँ। सो एंजॉय योर क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी बर्थडे टू महामना एंड हैप्पी बर्थडे टू वाजपेयी जी।